दोस्तों, आपको हमने बताया था कि कल देर रात किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के घर पे जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो चाहने वाले लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, जो कहा जा सकता है कि अलग अलग हिंदुत्ववादी दल के लोग हैं, वो उनके आवास पर पहुंचते हैं और उनके आवास पर उनके नेम प्लेट पर स्याही फेंकते हैं। खबर ये भी आई थी कि कुछ पत्थर वगैरह भी फेंकी गई और उन लोगों ने वहां पर जाकर के जो है उनके नाम, उनका जो नेम प्लेट था उस पर एक पोस्टर उन लोगों ने चिपकाया, जिसमें इन लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि हम जो है इसराइल के साथ हैं। इसराइल का मतलब यहाँ पर साफ साफ ये बात है कि ये लोग ज़ायनिस्ट के साथ हैं, उन ज़ायनिस्ट के साथ जिन लोगों ने 12 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया, जिन लोगों ने 40-50 हज़ार लोगों की जान ले ली, जिन लोगों ने पूरी तरीके से गज़ा सिटी को बर्बाद कर दिया, नस्तो नाबूद कर दिया, ये लोग उनका साथ दे रहे हैं। वहीं पर भारत का साफ साफ ये स्टैंड है कि भारत सरकार किसके साथ है, फ़लस्तीन के साथ है। और अब एक खबर मिल रही है कि अभी फिर एक दफ़ा असदुद्दीन ओवैसी के घर के सामने, देखिए दिल्ली असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ता पहुंच गए। कौन पहुंच गया है? हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। वे ओवैसी द्वारा लगाए गए जय फलस्तीन के नारे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जय फलस्तीन के नारे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल हिंदू संगठनों ने ओवैसी के बोर्ड पर काली स्याही पोती थी और अभी ये आपको बताएं, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता जो है यहाँ पहुंच गए हैं। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता जो है ये पहुंचे हुए, आप देखिए लाइव फुटेज। देख रहे हैं आप, ये हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी चौंकाने वाली जो चीज है वो हम आपको भी दिखाना चाहेंगे। अभी एक सेकंड में हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पुलिस बल के लोग भी हैं आपको बताएं, लेकिन देखिए चाहे तो पुलिस एक बार में कार्रवाई करके इन तमाम लोगों को यहाँ से हटा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो है ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और एक बड़ी जो चौंकाने वाली चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो मैं अभी आपको दिखाऊँ, शायद अगर तस्वीर साफ हो तो, देखिए यह नहीं साफ हो पाई थी तो खैर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ थी, कि क्या मैं बताना चाह रहा था। यहाँ आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक तस्वीर लगी हुई है और इस तस्वीर में ये देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर लगा करके ये एक जानवर के साथ इनकी तस्वीर लगाई गई। गालिबन ये जो तस्वीर है और ये एक ऐसा जानवर जिसको, जिसके बारे में लोग थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि या तो ये डॉग है, या तो ये कुत्ता है, या फिर ये सुअर है, इन्हीं दोनों में से कोई जानवर हो सकता है जैसा तस्वीर सामने आ रही है। और इसमें देखिए आप असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर को लगा करके क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सांसद को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, लोकसभा एक पार्लियामेंट के सांसद को, एक एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसे जनता ने चुन करके भेजा, जिसे लाखों लोगों ने चयन करके सदन में भेजा है, पिछले 20 साल से जनता इन्हें चुन रही है, 25वें साल के लिए इन्हें चुना गया है। इनसे पहले इनके फादर रह चुके हैं 10 साल 15 साल। अब देखिए कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के कैसा इस तरह से अपमान किया जा रहा है। यहाँ पर लड़कियाँ हैं ये और ये महिला है और महिलाओं और कुछ लड़के भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये नारेबाजी कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या असदुद्दीन ओवैसी एक चुने हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन सिर्फ तमाशा देख रही है? क्या ऐसे लोगों को तत्काल वहां से नहीं हटा देना चाहिए था? इनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? ये एक बड़ा सवाल है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।